गाइस नमस्कार, जय माता दी। शिष्य क्लीन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। देखो दर्शक मित्रों, आज हम कहाँ पर हैं? आज जा रहे हैं कहीं, लेकिन एंड तक बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी तो हम रास्ते में पोरबंदर से निकले और आगे आगे भी मैं दिखा दी जाऊंगी आपको। रास्ते में भी कुछ ऐसा लगेगा मुझे कि दिखाने जैसा है तो मैं दिखाऊंगी, देखते। ओके, देखो हम पहुँच गए अर्षद माता जी का मंदिर है। वहाँ पर पहुँच गए, देखते बाजार में क्या क्या नहीं है, आपको भी दिखाएंगे। देखो कितना अच्छा है, उधर यही सामग्री होती है उससे बनाया गया है, तोरण भी है, बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। आगे भी दिखाती हूँ क्या क्या है। श्रीफल है, प्रसाद मिलता है और माता जी का जो थाल होता है वो भी मिलता है। आगे हम लोग जा रहे हैं अभी बाजार से मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपको मंदिर बाहर से दिखाऊंगी, अंदर से अलाउ नहीं है माता जी का दर्शन करने के लिए, इसलिए बाहर से मंदिर का दर्शन करवा के हम लोग सीधे कहाँ पे जाएंगे वो भी सरप्राइज है। ठीक है, देखो ये मंदिर की ओर जा रहे हैं हम। मंदिर का वीडियो बाहर से लिया है। मंदिर में अंदर दर्शन करने जाएंगे, फिर बाद में हम आगे से जाएंगे कहाँ वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी मंदिर के दर्शन हम कर लेते हैं। अंदर वीडियो बनाना मना है इसलिए नहीं बनाऊंगी। देखो अभी हम पहुँच गए चौपाटी बीच पर। यहाँ पे बहुत अच्छा बीच है और बोटिंग भी कर सकते हैं और बैठने की जगह भी अच्छी है। लोकेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इसलिए हम आते हैं बार बार, लेकिन लॉक्स कभी नहीं बने। आज मैंने बना लिया है आप सबके लिए। मुझे लगा कि ये लॉक्स भी लोगों को दिखाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। यहाँ पे बहुत लोग नहीं आते जो मंदिर के दर्शन करके निकल जाते हैं। यहाँ का चौपाटी बीच है, बहुत मस्त है। बच्चे की खेलने की राइट से बैठने की जगह भी अच्छी है और अच्छा भी लगता है।
बहुत सारे लोग भी नहीं होते और पेड़ भी नहीं रहती है, इसलिए मजा आता है देखो। और आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।